हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है इंटीग्रेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे भी हमने बहुत सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए। फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, आपने जो बेसिक आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज थी, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। सेकंड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके आइडेंटिटीज हैं उनको सॉल्व करते हुए, उन आइडेंटिटीज को लगाते हुए इंटीग्रेशन करना सीखा। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमने देखा। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपको सॉल्व करना सीखा। तो ये अलग अलग मेथड से हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। और उसमें भी हमने फर्स्ट में आपको एक यहाँ पर क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था। उस फॉर्मूले पर आपने यहाँ आपको क्या दी होती है, यहाँ आपको लिमिट्स दी होती है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी होता है जिसको आप क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने के बाद एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। यहाँ आपको लिमिट दी होती है तो आप क्या करते हैं, अब उस डेफिनेट वैल्यू आपके पास अब आने वाली है जो आपकी इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ रही जो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो सब आपको डेफिनेट वैल्यू उसकी मिलेगी। कुछ फॉर्मूले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखाए थे जिसमें आपके दो तीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं। और हर क्वेश्चन में आप देखना, एक्सरसाइज भी हम आपकी क्लास में सॉल्व करेंगे, तो हर क्वेश्चन में आपका ये जो दो तीन आपकी प्रॉपर्टीज हैं यही आपके यूज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद कर दी होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है और उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे, देखिए लिमिट्स इसकी क्या है, 0 से लेके पाई। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर हमने इसकी लिमिट देखी 0 से a पे और इसकी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। तो इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज इसको i के इक्वल हम माने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो जहां पर आपको देखिए यहाँ a आपका क्या है पाई बाई 2, तो i बराबर क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर, जहां x है वहां पर आपको क्या लगाना है a माइनस एक्स, ए यहाँ पाई बाई 2 है तो हम क्या लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, हम जानते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस में, साइन स्क्वायर, साइन एक्स के इक्वल होता है, यहाँ पर स्क्वायर में है तो वो साइन स्क्वायर में आ जाएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे, एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड कर लेंगे तो देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका आई है और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आई है, तो आई प्लस आई आपका क्या हो जाएगा 2i बराबर में, इक्वेशन नंबर 1 है 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स
dx प्लस में 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो 2i बराबर, इनकी लिमिट सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इस तरह से, इसको कंबाइंड रूप में ऐसा लिखा जा सकता है पाई बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों के, इन दोनों इंटीग्रेशन के वेरिएबल सेम हैं, इसको आप कॉमन रूप में लिख सकते हैं स्क्वायर एक्स डीएक्स। और एक फॉर्मूला, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है 0 टू पाई बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 1 ऑफ डीएक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, 1x आ जाएगा और लिमिट्स आप लिख रहे हैं पाई बाय 2 से, 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 2i बराबर पाई बाय 2 माइनस 0 की पाई बाय 2। अब मुझे i निकालना है, ठीक है, i मुझे निकालना है तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया था एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आपको क्वेश्चन दिया था, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेट करने के, देखिए यहाँ पर ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखाई थी इंटीग्रेशन की, देखिए लिमिट्स देखिए क्या है 0 से पाई बाय 2, और आपके पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx, आपको इस तरह से दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a माइनस x, यानी कि जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट को आप क्या कर देंगे, अपर लिमिट में से आप x को माइनस कर देंगे, तो अपर लिमिट जो भी आपको इवन होगी, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज में a है और क्वेश्चंस में आपका अलग अलग हो सकता है अपर लिमिट, तो a माइनस x dx आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, वहां पर भी हमने यही पैटर्न अपनाया था, हमने क्या किया, पहले जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को आई के इक्वल लेट किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने पुट किया था, इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज लगाई थी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद सॉल्व करके आपको इक्वेशन नंबर 2 मिला था, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट्स को वहां पर अप्लाई करेंगे, जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2i मिलेगा, तो आप i की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इक्वेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू पाई लिमिट है 0 टू पाई रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, ऊपर है आपके पास रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स ऑफ डीएक्स, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है, 0 से पाई के बीच में है ये। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, 0 से पाई a fx dx, प्रॉपर्टी लिखेंगे आप हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, 0 टू a माइनस x dx, इस प्रॉपर्टी को आप यहां पर लगाएंगे, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स, यहाँ ए का मान पाई बाय 2 है तो आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में
रूट साइन एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स और प्लस में रूट कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ऑफ डीएक्स। हमने इस प्रॉपर्टी को यहां पर लगाया, ठीक है। प्रॉपर्टी से आपको क्या मिला, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स 90 माइनस ये पाई बाय टू का मतलब क्या है 90, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या हो जाता है कॉस एक्स, क्लास 11 से पढ़ा है, ठीक है। तो रूट कॉस एक्स अपॉन में यहां पर भी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, यहां भी कॉस एक्स आ जाएगा रूट में, तो कॉस एक्स प्लस में कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो यहां पर रूट साइन एक्स ऑफ डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर टू पुट कर दीजिए, ठीक है। सेम पैटर्न है, एडिंग वन एंड टू, ये भी आई के इक्वल है। एड इक्वेशन नंबर इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को आप क्या करेंगे एड कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा टू आई बराबर इक्वेशन नंबर वन, क्या है लिमिट है इसकी जीरो से पाई बाय टू, और इक्वेशन वन में आपको ऊपर दिखा है साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स ऑफ डी एक्स प्लस में इक्वेशन नंबर टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू, ऊपर आपको मिलेगा रूट में कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स ऑफ डी एक्स। हमने क्या किया इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए टू आई बराबर, टू आई बराबर इन दोनों इक्वेशंस की, इन दोनों फंक्शन की लिमिट सेम है और वेरिएबल्स भी सेम है, तो इनको आप कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इनको आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। और इनके जो इंटीग्रेशन है इनको आप कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं पाई बाय टू, और एलसीएम आपके पास आ गया है रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स, ठीक है। और ऊपर क्या मिल गया रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब यहां से ये दोनों देखिए आपस में कट गया है, तो आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय जीरो से पाई बाय टू और वन ऑफ डी एक्स, ठीक है। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, वेरिएबल्स एक्स है तो यहाँ पर, अगर वेरिएबल्स यहाँ पर टी होता तो आपका टी आता, तो वेरिएबल्स के जिसके भी रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा वन के केस में। तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए आपको क्या मिलेगा एक्स जीरो से पाई बाय टू, ठीक है। टू आई बराबर आपके पास आ जाएगा पाई बाय टू माइनस में जीरो, हमने लिमिट अप्लाई की, तो यहां से आई बराबर आपको क्या मिल गया है पाई बाय फोर। कॉपी कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू साइन थ्री बाय टू एक्स डी एक्स अपॉन में साइन रेस टू दी पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस में कॉस रेस टू दी पावर थ्री बाय टू एक्स ऑफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू ऑफ साइन रेस टू द पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, वेरिएबल्स दोबारा आ गए हैं, ठीक है, अपॉन में साइन रेस टू द पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रेज टू दी पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन। आप
प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, जीरो से ए के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ लिमिट जीरो से पाई बाय टू है, तो लिमिट क्या प्रॉपर्टी है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो टू ए ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आई बराबर जीरो से पाई बाय टू साइन थ्री बाय टू, और यहाँ आप लिखेंगे पाई बाय टू माइनस ए माइनस एक्स, टू बाई पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन में साइन रेज टू द पावर थ्री बाय टू, और यहाँ आप लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस में कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू पाई बाय टू माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, हम जानते हैं साइन में आप पाई बाय टू माइनस एक्स दो बार क्वेश्चन कर लिए हैं, कॉस एक्स के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पर पावर आपकी क्या है, थ्री बाय टू है, तो आपको पावर थ्री बाय टू में ही लाना है, बट क्वेश्चन को आप क्या लिखेंगे, पाई बाय टू कॉस थ्री बाय टू एक्स, तो इसको मैं थोड़ा सा कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स अपॉन में ये भी आ जाएगा कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस में साइन रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर टू। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखेंगे जहां आपने अप्लाई किया। ठीक है, तो एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन और टू को यहां पर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू आई, ये भी आई के इक्वल है और ये भी आई के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू साइन थ्री बाय टू एक्स अपॉन में साइन थ्री बाय टू एक्स प्लस में कॉस थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू, यहां पर आपका क्या आएगा क्वेश्चन में, कॉस थ्री बाय टू एक्स अपॉन में कॉस थ्री बाय टू एक्स प्लस में साइन थ्री बाय टू एक्स, और यहां पर आप डी एक्स लिख लेंगे, दोनों की लिमिट सेम है तो आप इसको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाय टू, और क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, देखिए इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में है साइन रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स, को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस रेज टू द पावर, या फिर इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं साइन रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस में कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स, और ऊपर आपको क्या मिल रहा है साइन रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस में कॉस रेज टू द पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, तो इससे ये कटेगा, आपको क्या मिलेगा पाई बाय टू जीरो से पाई बाय टू वन डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स के इक्वल आएगा, और लिमिट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, फिर से ये आपको टू आई बराबर पाई बाय टू, जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी कि आई बराबर पाई बाय फोर फिर से आ गया है। तो ये एक ही पैटर्न के आपके क्वेश्चन है, इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक दूसरे तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो कॉपी कर लेंगे पहले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे, लेट सपोज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जीरो से वन है, दैट मीन्स कि अगेन आपको प्रॉपर्टी लगानी है जीरो से ए एफ एक्स और डी एक्स, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है जीरो टू ए ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, लिमिट्स को देखकर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई बराबर इसको इक्वेशन नंबर वन आप पुट कर सकते हैं, आई बराबर जीरो टू वन
एक्स की जगह हमें क्या रखना है, ए माइनस एक्स। ए क्या है यहाँ पर, वन है, वन माइनस एक्स, और अंदर भी आप रखेंगे वन माइनस एक्स और रेज टू द पावर एन डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स, इसको अगर आगे आप सॉल्व करें, पावर इसकी है एन, ठीक है ना, तो 1 माइनस 1 और ये प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, तो इससे ये कट जाएगा डीएक्स। तो आगे आपको क्या मिला, 0 से 1, 1 माइनस एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। आगे इसको और सॉल्व करें तो 0 से 1, इस एक्स की पावर एन को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स रेज टू द पावर एन माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पावर जब बेस सेम होते हैं पावर उनकी एड हो जाती है, इसकी पावर 1 है प्लस में एन, तो इसको आप लिख सकते हैं एन प्लस 1। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 ऑफ डी एक्स, इस दोनों का डी एक्स, ठीक है। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन, अलग अलग आप इसको लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर एन ऑफ डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 ऑफ डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, ये तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया है, एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो इसको आप लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिमिट भी हमें अप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, लेकिन लिमिट भी अप्लाई करनी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। माइनस में यहाँ पर भी एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 पहले से था और 1 हमें फिर से यहाँ पर ऐड करना है, तो एन प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी आप लिमिट रखेंगे 0 से 1, ठीक है। एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और माइनस में यहाँ पर एक्स रेज टू दी पावर इसकी लिमिट आप रखेंगे 1 से 0, इसमें क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 2 अपॉन में एन प्लस 2 और इसकी भी पावर आप 1 और 0, ठीक है। इसकी लिमिट जब आप रखेंगे, चलिए यहाँ पर लिमिट रखेंगे आप, तो एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे और माइनस जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 की पावर समथिंग 0 आ जाएगा और 0 अपॉन समथिंग वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो फिर वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर, तो 1, 1 की पावर आप कुछ भी रखें वो 1 के इक्वल आता है, 1 अपॉन एन प्लस 1 और माइनस में यहाँ पर भी जब आप क्या रखेंगे, एक्स की पावर देखिए अपर लिमिट रखेंगे आप, 1 है अपर लिमिट, तो यहाँ पे 1 की पावर एन प्लस 2, तो 1 की पावर आप कुछ भी रखें वो 1 के इक्वल आता है, तो ये तो 1 आ गया, और नीचे यहाँ पर एन प्लस 2, तो 1 अपॉन एन प्लस 2, माइनस में लोअर लिमिट होता है और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, तो 0 की पावर समथिंग 0 और 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये सारा 0 आ जाएगा। अब आपके पास बस इतना बचा, इसको एलसीएम ले लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप, तो एन प्लस 1 और एन प्लस 2, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा एन प्लस 2 और माइनस में एन माइनस 1, मैंने क्या किया माइनस की मल्टीप्लाई साथ साथ में कर दी, तो एन से एन कट गया है और ये आपको क्या मिल गया है, अब प्लस का 1, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ये आप ठीक है आंसर है, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जिनको आपने करना है, एक ही पैटर्न के हैं तो इनको आप कर लेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, तो 0 to π/4 log 1 plus 10x dx, ये आपके पास,
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 से लेके 5/4 की बात की गई है, तो अगेन आप इसको पहले तो लेट करेंगे, लेट i बराबर 0 टू 5/4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 0 से पाई के बीच में है, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को आप यहां लगा सकते हैं। ठीक है, i बराबर क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 ए माइनस एक्स, तो ए कितना है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन ए माइनस बी का, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टेन ए माइनस बी, ठीक है, तो टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस में टेन बी अपॉन में वन प्लस, यहां माइनस है तो प्लस आ जाता है, ठीक है, क्लास 11 से पढ़ा होगा, वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको यहां पर अप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, आई बराबर, इन फॉर्मूलों को आप जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वहां पर लिखेंगे, मैं यहाँ जगह नहीं है तो इधर इनको शिफ्ट कर दूं। चलिए, तो आई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे टेन ए माइनस बी का, तो यहां से 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, अब 10 a यहां पर पाई बाई 4 है तो आप क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस में 10x अपॉन में 1 प्लस 10 a यानी कि 10 पाई बाई 4 और 10 b यानी कि 10x ऑफ dx। ठीक है, हमने यहां पर 10 a माइनस फॉर्मूला लगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जस्ट इसके बगल में लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, आगे हमें जगह चाहिए तो इसलिए यहाँ पर, तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 10x, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान अगेन 1 होगा, तो यहां पर भी 10x ऑफ dx। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 10x और प्लस में 1 माइनस, प्लस में 1 माइनस 10x, तो 10x से 10x कट गया dx। ठीक है, तो आपको आगे क्या मिलेगा, i बराबर 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, अब यहां पर 1 प्लस 1 आपका 2 अपॉन, 2 अपॉन 1 प्लस 10x ऑफ dx। ठीक है, अब log का हमें एक फॉर्मूला पता है, log m अपॉन n बराबर, n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 0 टू पाई बाई 4 और मैं लिमिट भी अलग कर दूं, चलो कोई इसको पहले लिख लेंगे, log ऑफ 2
माइनस में लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, जीरो टू पाई बाय फोर लॉग टू, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन जीरो टू पाई बाय टू लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर जीरो टू पाई लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स को हमने यहाँ पर क्या माना था, आई माना था, तो क्या मैं इसको आई मान सकती हूँ? तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर टू लॉग टू माइनस में आई। इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आई प्लस आई आपके पास टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू। अब इसको भी इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लॉग टू आपका क्या है, वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लूं लॉग टू को, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू ऑफ डीएक्स, यहां पर डीएक्स भी आएगा, यहां पर इसके साथ डीएक्स आएगा, dx माइनस वेरिएबल्स भी होगा यहाँ पर, लॉग टू डी एक्स माइनस आई, ये dx आएगा और यहाँ पर dx है वन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो लॉग टू वन का इंटीग्रेशन होता है x, वेरिएबल्स यहाँ पर dx है, तो x और पाई बाई टू जीरो। ठीक है, लिमिट यहां से फोर आ जाएगी, लिमिट यहां पर फोर पाई बाई फोर। ठीक है, क्वेश्चन में लिमिट थी पाई बाई फोर, तो इसको ठीक कर लेंगे, पाई बाई फोर आए, पाई बाई फोर पाई बाई फोर। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, टू आई बराबर लॉग ऑफ टू, और यहां पर आप लिमिट रखेंगे तो पाई बाई फोर, और माइनस रखेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अब इसको आई निकालना है आपको, तो आई बराबर आपको क्या मिला, पाई बाई फोर, फोर को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई एट लॉग टू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट।